बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वीवर? मैं हूँ मारिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने कुकिंग चैनल मीना कुकिंग चैनल में। आज हम बहुत ही मज़े का कस्टर्ड डिलाइट या कस्टर्ड डेजर्ट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कस्टर्ड बनाते हैं और उसके लिए देखते हैं कि उसको हम किन किन चीज़ों से बनाते हैं। दूध लिया है मैंने, 1.5 लीटर दूध है, और 3 कलर का मैंने कस्टर्ड लिया, स्ट्रॉबेरी लिया, मैंगो लिया और बनाना लिया, और चीनी ली है मैंने जो है तकरीबन ये 12 चम्मच खाने वाले चीनी की है। यह आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो आइए अब एक एक करके तीनों कस्टर्ड को बनाते हैं। 2 कप हमने दूध लिया और इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और इसे उबाल लेंगे हाई फ्लेम पे। तो इसे उबाल के आपसे बिल्कुल दूध उबल चुका। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी के डाल देंगे और चीनी हल होने तक इसे पकाएंगे। जितनी देर में हमारी चीनी हल होगी हमने ये बैटर तैयार कर लिया है। कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा ठंडा दूध डाल के उसे हल कर लिया। हमारी चीनी हल हो चुकी है। अब हम चम्मच चलाते हुए ये जो बैटर है ये सारा इसमें डाल देंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो गाढ़ा होने तक पकाने के बाद आपसे मिलती हूँ। चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि गिल्टी ना बने। तो हमारा पेस्ट कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब हम जो है इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें और पकाने में। इसे 5 मिनट हमने और पका लिया कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे जो है ठंडा होने के लिए बाउल में निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और बाकी भी सारे इसी तरह बाकी दोनों फ्लेवर भी इसी तरह बना लेंगे। ये बाउल में निकाल लेते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं, बाकी भी इसी तरह पका लेंगे। तो तीनों बना के आपसे मिलती है। हमारे तीनों तरह के कस्टर्ड जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और बाकी का प्रोसीजर फिर करेंगे। तो इन्हें ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसका डेजर्ट तैयार कर लेंगे। डेजर्ट तैयार करने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, 3 तरह का कस्टर्ड है, 2 तरह की मैंने ग्रीन और रेड जेली ली है, अंगूर लिए हैं, फ्रूट केक लिए हैं, सेब लिए हैं इनको काट लिए और बनाना लिए इनको काट लिया। आप ये फ्रूट अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे नीचे तो इस तरह फ्रूट केक रख देंगे। इसके बाद इसमें कोई से भी तरह का कस्टर्ड डालेंगे। मैं पिंक डाल दूँ। उसके ऊपर जो है कुछ फ्रूट्स डाल देंगे, सेब डालेंगे, कुछ अंगूर डालेंगे, कुछ
बनाना डाल देंगे और ये सारी तरफ फैला देंगे। कुछ अब इस तरह रेड जेली डालेंगे और ग्रीन जेली डाल देंगे। अब जो है उसके ऊपर जो है एक तय हम बनाना कस्टर्ड की लगा देंगे। उन्हें चल अच्छी तरह सेट कर देंगे। इसके ऊपर फिर फ्रूट डाल देंगे। जो बचा है वो सारा फ्रूट इसमें डाल देंगे। जाली डाल देंगे। इसके ऊपर यह जो बनाना कस्टर्ड है सॉरी मैंगो कस्टर्ड है वो हम डाल देंगे। इस तरह जेली जो है वो सेट कर देंगे। ग्रीन जेली अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये लें जी हमारा मज़ेदार सा जो है कस्टर्ड तैयार है। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। ये देखें अब जो है इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए जो है इसको नीचे तक जो है सारी तह जो है वो उठा के इसमें डालेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो जो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।